हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चालू था पावर ट्रांसमिशन में हम देखेंगे। हमारा टॉपिक चालू है क्रीप एंड स्लीप ऑफ बेल्ट। टॉपिक है, हमारा टॉपिक का नाम है क्रीप और स्लीप बेल्ट। पावर ट्रांसमिशन में हमारा टॉपिक का नाम दिया है क्रीप और स्लीप बेल्ट। हम सबसे पहले देखेंगे, इसके पहले मैंने आपको लेक्चर में बताया था क्रीप का मतलब क्या होता है करके, फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। क्रीप, मैं आपको डेफिनेशन भी बताया था इसकी, कि क्रीप का मतलब होता है खींचना। क्रीप का मतलब होता है खींचना। इसमें देखेंगे कि बेल्ट जैसे जैसे घूमता है, बेल्ट जैसे जैसे पुल्ली पर घूमता है और ड्राइविंग पुल्ली, देखेंगे इसमें डेफिनेशन, बेल्ट जैसे जैसे पुल्ली पर घूमता है, बेल्ट जैसे जैसे पुल्ली पर घूमता है वह ड्राइविंग पुल्ली के संपर्क क्षेत्र पर संपर्क क्षेत्र पर खींचने का और ड्राइविंग और ड्रिवन पुल्ली पर और ड्रिवन और ड्रिवन पुल्ली पर छोटा होने का प्रयास करता है। देखेंगे हम क्रीप का मतलब क्या होता है, कि बेल्ट जैसे जैसे पुल्ली पर घूमता है वह ड्राइविंग पुल्ली के संपर्क क्षेत्र पर खींचने का और ड्रिवन पुल्ली पर छोटे होने का प्रयास करता है। मैं आपको बताया कि ये पुल्ली और ये दूसरी पुल्ली है, इसे बोलेंगे हम ड्राइवर, इसे बोलेंगे ड्रिवन। बेल्ट जैसे जैसे पुल्ली पर घूमता है, बेल्ट जैसे जैसे पुल्ली पर घूमता है और वह ड्राइविंग पुल्ली के संपर्क क्षेत्र पर, ड्राइवर पुल्ली के संपर्क क्षेत्र पर खींचने का और ड्राइविंग पुल्ली पर छोटे होने का प्रयास करता है। उसके बाद यह है कि बेल्ट के यह स्थानीय, बेल्ट के यह स्थानीय हलचल हलचल यानी मूवमेंट, बेल्ट के यह स्थानीय हलचल मूवमेंट इलास्टिक की तरह इलास्टिक
की तरह, इलास्टिक की तरह खींचने का सीधा परिपथ, की तरह खींचने का सीधा परिणाम, खींचने का सीधा परिणाम है इसलिए इसे क्रिप कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्रिप कहा जाता है। देखिए ये डेफिनेशन है इसमें पॉइंट कि हमारे टॉपिक है क्रिप और बेड और स्लिप बेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिप, मैंने क्या बताया है क्रिप। बेड जैसे जैसे पुल्ली पर बनता है, ये पुल्ली दिया, ये इसे बोलेंगे हम ड्राइवर, इसे बोलेंगे हम ड्रिवन। कि बेड जैसे जैसे पुल्ली पर घूमता है, बेड जैसे जैसे पुल्ली पर घूमता है, वह ड्राइविंग पुल्ली यानी ड्राइवर के संपर्क क्षेत्र पर खींचने का और ड्रिवन पुल्ली पर छोटे होने का प्रयास करता है। जैसे जैसे हम पुल्ली घुमाएंगे उसी प्रकार ड्राइविंग पुल्ली के संपर्क पर खींचने का कार्य, ये इसका काम है खींचने का कार्य, खींचने का कार्य और ड्रिवन पुल्ली पर छोटे होने का, और ड्रिवन पुल्ली पर छोटे होने का प्रयास करता है। छोटे होने का क्या करता है, प्रयास करता है बेल के यह स्थानीय हलचल। अभी क्या है ना कि हमारे पास दो पुल्ली दिए, पहला दिया ड्राइवर और दूसरा दिया ड्रिवन। जब बेल को घुमाएंगे यहाँ पे दिया ड्राइवर और ड्रिवन, मैंने आपको बताया है कि जब ड्राइवर पुल्ली के संपर्क क्षेत्र पर यहाँ पे खींचने का कार्य, अपनी ओर खींचने का कार्य करता है, और दूसरा जो ड्रिवन दिया हुआ छोटे होने का प्रयास करता है। बेल के यह स्थानीय में मूवमेंट यानी हलचल होती है, हलचल इलास्टिक की तरह खींचने का सीधा परिणाम है। जैसे इलास्टिक हमने देखे होंगे कि अपने तरफ खींचते हैं, उसी प्रकार इसमें क्या दिया है कि ड्राइवर और ड्रिवन में क्या दिया है कि ड्राइवर संपर्क क्षेत्र पर खींचने का कार्य करता है और जो ड्रिवन दिया हुआ छोटे होने का प्रयास करता है, इसलिए हम इसे क्रिप कहा जाता है। इसलिए इसे हम क्रिप कहा जाता है। ये दिया है क्रिप के बारे में, एक बार देख लो डिटेल। क्रिप टॉपिक का नाम है क्रिप और स्लिप बेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिप यानी क्या होता है करके, क्रिप कि क्रिप जैसे जैसे पुल्ली पर घूमता है, ये दिया है पुल्ली, इसे बोलेंगे ड्राइवर, इसे बोलेंगे ड्रिवर। कि जैसे जैसे बेड पुल्ली पर घूमता है, ड्राइवर पुल्ली के संपर्क क्षेत्र पर खींचने का कार्य करता है, यानी अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा का कार्य, और ड्रिवन पुल्ली पर छोटे, और ड्रिवन पुल्ली पर ये क्या होता है छोटे होने का प्रयास करता है। बेल के यह स्थानीय में हलचल यानी मूवमेंट इलास्टिक की तरह खींचने का सीधा परिणाम, इसलिए इसे क्रिप कहा जाता है। बच्चों आपको ये सभी को समझाई होगा। अब इसके बाद देखेंगे कि स्लिप यानी क्या होता है करके, स्लिप क्या होता है करके, ये देख लेंगे हम क्या होता है करके स्लिप। अब देखेंगे स्लिप यानी क्या होता है,
स्लीप 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 का मतलब क्या होता है, इसमें देखेंगे कि इसके बारे में टॉपिक में यहाँ पे पढ़े थे, क्लिप में मैंने आपको बताया था डिटेल में, उसी प्रकार मैं आपको स्लीप के बारे में बता देता हूँ। बेड और पुल्ली के सतह स्पीड, बेड और पुल्ली के सतह, बेड और पुल्ली के सतह स्पीड, बेड और पुल्ली के सतह स्पीड के मध्य, के मध्य होने वाला वास्तविक अंतर ही, वास्तविक अंतर, वास्तविक अंतर ही स्लिप होता है, वास्तविक अंतर ही स्लिप होता है, के वास्तविक अंतर ही स्लिप होता है। स्लिप का प्रभाव पुल्ली के मध्य, स्लिप का प्रभाव पुल्ली के अनुपात, पुल्ली के अनुपात को कम करके, पुल्ली के अनुपात को कम करके, पुल्ली के अनुपात को कम करके सही अलाइनमेंट, पुल्ली के अनुपात को कम करके सही अलाइनमेंट बनाए रखकर कम किया जाता है, कम किया, कम किया, कम किया जाता है। उसके बाद दिया है, ये दिया है स्लिप के बारे में दिया है। यहां पे स्लिप का मतलब क्या होता है कि बेड और पुल्ली के सतह स्पीड के मध्य होने वाला वास्तविक अंतर ही स्लिप होता है। ये दोनों के बीच का अंतर क्या बढ़ेंगे, इसे स्लिप बोलेंगे। स्लिप का प्रभाव पुल्ली के अनुपात को कम करके सही अलाइनमेंट बनाए रखकर कम किया जाता है। अगर कम किया जाता है तो स्लिप बेड नहीं होगा, स्लिप बेड नहीं होगा। इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट कि क्रीप बेल्ट के भौतिक लक्षण, क्रीप बेल्ट के भौतिक लक्षण होने के कारण अपने आप नियंत्रित नहीं किया जाता। इसमें देखेंगे कि स्लिप में कि बेड और पुल्ली के सतह स्पीड के मध्य होने वाला वास्तविक अंतर, ये दोनों के बीच का जो वास्तविक अंतर, उसे के क्या कहते हैं, स्लिप किया जाता है। कि स्लिप का प्रभाव पुल्ली के अनुपात को कम करके सही अलाइनमेंट बनाए रखने के लिए, सही अलाइनमेंट
सही अलाइनमेंट बनाए रखकर कम किया जाता है, और क्रीप बेड के भौतिक लक्षण होने के कारण अपने आप नियंत्रित नहीं किया जाता है, इसलिए बेड हमारा स्लिप होता है, इसलिए बेड हमारा स्लिप होता है। यह है हमारा आज का टॉपिक क्रीप एंड स्लिप में। मैंने आपको बताया था कि क्रीप का मतलब क्या होता है और स्लिप का मतलब ये आपको दिया गया है। ये दो पुली है, ये दोनों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे हम, इसे बोलेंगे हम स्लिप बोलेंगे। कि बेड और पुली के सतह स्पिन के मध्य होने वाला वास्तविक अंतर ही, ये दोनों के बीच में जो वास्तविक अंतर है उसे क्या कहेंगे हम, स्लिप, उसे हम स्लिप कहा जाता है। इसके बाद हमने देखे कि स्लिप क्रीप और स्लिप में दोनों में डिफरेंस क्या है, क्रीप किसे कहा जाता है, यानी क्रीप का मतलब अपने तरफ खींचता है उसे क्रीप किया जाता है, ये स्लिप है, स्लिप में दोनों के बीच का अंतर ही मध्य होने वाला अंतर ही वास्तविक अंतर स्लिप होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम बेल्ट की ड्रेसिंग, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम बेल्ट की ट्रेसिंग। इसलिए यहाँ टॉपिक हमारा खत्म होता है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे बेल्ट की ड्रेसिंग। थैंक यू।